गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे यूनिट 12 सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज पार्ट 3। आज हम इससे पहले टू पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरी आ रही थी तो वो मैंने शॉर्ट आउट करा दी हैं। यस या नो? अब हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 3600 amounts to rupees this in 3 whole 1 upon 2 years। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको 3600 रुपीज दे रखा है, तो यह है आपका प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाता है वो कितना 4732 रुपीज, आपको टाइम गिविन है, तो फाइंड क्या करना है, रेट। तो जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है हमने देखी, सबसे पहले वही लिखा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 3600, अमाउंट 4734, टाइम 3 होल 1 अपॉन 2 ईयर। आपने जो सेक्शन का ईयर था इसको मिक्स सेक्शन से इम्प्रॉपर सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज 7.2 ईयर। यस या नो? अब देखो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एसआई, कल भी एक क्वेश्चन बताया था मैंने इसी पैटर्न से, क्वेश्चन नंबर 8 था वो 11, ये आपने क्या करा, पहले एसआई फाइंड आउट किया है, एसआई का फॉर्मूला ए माइनस पी, तो ए माइनस पी आप जब करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए का ए माइनस पी में वैल्यू पुट अप करी, ए इज 4734 माइनस 3600, सबट्रैक्ट देम, व्हाट इज द आउटकम, व्हेन वी सबट्रैक्ट इट 1134, गुड। अब आप किसका फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, रेट का, रेट का फॉर्मूला एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय टी, पुट द वैल्यू, एस आई 1134, रेट इज आगे मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई टी। अब देखो टी जो था आपका अपॉन में दे रखा था 7/2, तो आपने क्या किया, 7 तो नीचे लिखा डिनोमिनेटर में और 2 से कहाँ लिखेंगे, न्यूमिनेटर में। ओके, सॉल्व करिए, कुछ डिजिट्स यहाँ पर आपस में क्रॉप्स हो रही है, क्रॉप 20 से 20 क्लॉक, 2 से 18 टाइम्स और आगे कंप्लीट क्लॉक करा, अर्जुन कितना आया बेटा, 9%। तो देखो आंसर इज 9% पर एनम। यस या नो? क्लियर? किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी? बताओ बेटा अगर किसी स्टूडेंट्स को क्वेरी है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं किसी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बेटा चलिए, ये तो पूरा सॉल्यूशन शो हो रहा है। देखो इसने कहा था यहाँ पर कि इफ रुपीज 6640 अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 2 years 6 months, कि आपको प्रिंसिपल दे दिया 640, ये अमाउंट दे दिया 768, टाइम गिवन है 2 years 6 months। तो आपको देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, सेम उसी पैटर्न से पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आगे देखो आगे क्या कहा है, व्हाट विल रुपीज 850, अब ये बताओ 850 रुपीज 3 years में होने हैं तो कितने रेट से होंगे, वॉट विल रुपीज 850 अमाउंट टू, यानी कि 850 रुपीज है अगर आपके पास तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, देखो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल गिवन था, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 640, अमाउंट रुपीज 768, टाइम
टू ईयर सिक्स मंथ सिक्स मंथ्स को आप कंप्लीट ईयर में चेंज करेंगे तो 2 + 6 / 12 ईयर्स क्लॉक्स हो रहे हैं 6 × 6 = 12 2 × 2 = 4 or 1 = 5 5 / 2 ईयर्स यस या नो बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया अब देखो आगे एस आई का फॉर्मूला लगाया हमने एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी सबट्रैक्ट कर दिया 128 रुपीज के आ गए आपके एस आई अब वेट का फॉर्मूला लगाया आपने और वेट का फॉर्मूला एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन पी इंटू टी अब वैल्यू पुट अप करें अब देखो एस आई आपकी यहाँ कैलकुलेट हुई है 128 100 अपॉन पी इंटू टी पी 640 टाइम देखो हमने यहाँ कितना कैलकुलेट किया है 540 सॉरी टाइम कितना है 5/2 तो 5/2 में और 2 हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्लॉप्स करेंगे अभी यहाँ तो क्लॉप्स करके आउटकम क्या हो जाएगा आपका 8% पर एनम ओके अब आगे देखो क्या कहा है नाउ प्रिंसिपल 850 देखो क्वेश्चन में कहा था कि अमाउंट कितना हो जाना प्रिंसिपल कितना है अगर आपका 850 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने अभी कैलकुलेट किया है टाइम 3 ईयर्स तो आप यहां से अगेन एसआई का फॉर्मूला पुट अप करेंगे रेट का फॉर्म एसआई के फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करी और देन वी फाइंड द अमाउंट ओके बताइए किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ सम ऑफ मनी बिकम 8/5 ऑफ इटसेल्फ अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को इसने कहा है कि जो भी मनी है वो 8/5 हो जाती है जो भी मनी है वो 8/5 हो जाती है 5 ईयर्स में तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है क्या है सपोज करो अगर मेरी जो मनी प्रिंसिपल है वो एक्स है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी उसकी 8/5 यानी कि 8/5 एक्स दिस इज योर अमाउंट एंड दिस इज योर प्रिंसिपल यस या नो अब देखो आगे यही लिखा हमने लेट द सम ऑफ दी रुपीज एक्स तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 8/5x यस अब देखो अमाउंट है आपके पास प्रिंसिपल है तो एसआई फाइंड आउट हो जाएगी एसआई का फॉर्मूला ए माइनस टी अमाउंट क्या है आपकी 8/5x माइनस एक्स सॉल्व करिए अपॉन एलसीएम 5 देन 8x माइनस 5x यस तो ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका 3/5x ऐसा ही क्या हो गया 3/5x यस बताओ बेटा यहां तक हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन होता है देखिए ये हो गया यहाँ तक क्लियर अब हमने क्या करा हमने एज्यूम किया यहाँ लेट वेट बी आर परसेंट हमने वेट को आर परसेंट ही रहने दिया अलग से कोई भी लेटर एज्यूम नहीं कर रहे तो हमने क्या करा वेट का फॉर्मूला लगाया वेट का फॉर्मूला क्या होता है एस आई मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉरी एसआई का ही लगा दिया हमने तो यहाँ एसआई का ही लगा दिया है हमने अगर आप चाहो रेट का भी लगा सकते हो एसआई का फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करिए एसआई देखो हमने यहाँ कितना फाइंड आउट किया है एसआई कितना है
तो हमने एस आई के प्लेस पर रखा 3/5x इक्वल टू पी। प्रिंसिपल देखो हमने क्या एज्यूम किया था, आर आर देखो हमने आर ही एस सपोज करा है, मल्टीप्लाई टी, टी क्वेश्चन में कहा था देखो टी ये ना, यस चलिए 5 हो गया अपॉन 100। अब यहां से आप क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगी और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करा आपने साइड चेंज, पहले ऐसे नहीं ऐसे बताते हैं। अब आप यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ध्यान से देखो 3x मल्टीप्लाइड बाय 100 जैसे नो अपॉन 5 मल्टीप्लाई, अब हमने x भी यहाँ ले लेंगे अपॉन में और 5 भी हम अपॉन में लिख लेंगे और इक्वल टू आपका क्या रहेगा फिर r। ओके अब आप क्या करोगे इससे आगे बताओ, कट कर दी x से x क्लॉक 5 से 20 टाइम्स अगेन 5 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए 12%। यस या नो, क्या हो गया आपका 12% पर एनम। यस या नो बताइए जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर बेटा। चलिए अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 2,4745 इन 3 इयर्स। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ कि कोई भी प्रिंसिपल 3 इयर्स में 4,745 हो जाता है और 5 इयर्स में ये, तो आपको अमाउंट दे रखी है सबसे पहले अमाउंट इन फाइव इयर्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल पर प्लस एफ आई, यही तो होता है। तो आपको देखो यहीं पर वही चीज बताई गई थी कि जो अमाउंट है वो 3 इयर्स का 4745 है, तो हमने यही लिखा फोर सेवन फोर फाइव है और 5 इयर्स का अमाउंट कितना है 5475। कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, अच्छा 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 देखो 5 इयर्स का था ना 4745 4475। लिसन तो देखो 5 इयर्स का ही लिखा हमने यहाँ, अमाउंट 5 इयर्स में कितना होता है 5475 और 3 इयर्स में कितना होता है 4745। यस या नो, ये दो स्टेप जो मैंने अभी बताए ये दोनों क्लियर करिए, बताइए प्रॉब्लम है इन दोनों स्टेप में। बताओ बेटा अगर आपको इन दोनों स्टेप में कोई क्वेरी है, नहीं है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो 5 है और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो लिखेंगे अमाउंट फॉर टू इयर्स। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा आपका एस आई। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जब हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो निकल कर आएगा आपका एस आई, कितने इयर्स का 2 इयर्स का। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा आपने तो कितना एस आई निकल के आया 2 इयर्स का, सब्ट्रैक्ट देम 730। क्लियर, यस जल्दी बताओ बेटा।
अब आपने क्या करा फिर आगे, ये SI था 3 years का, ये SI है 5 years का, तो हम SI जो है एक्चुअल में 3 years का कितना आएगा, तो कैसे लेंगे, 730/2 × 3। हम कैसे करेंगे फिर, ध्यान से देखो इधर, आपको ये SI दे रखा था 2 years का, अगर SI 2 years का है 730, तो 1 year का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 1 के लिए 730/2, और 3 years का फिर फाइंड आउट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 3। यस, तो हमने वही किया, यहाँ पर सॉल्व करा, तो सॉल्व करके क्या आया 1095। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो अमाउंट थी 3 years की वो थी ये, ऐसा ही है 3 years का दिस, तो हम यहाँ इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो लिख देंगे प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट फॉर 3 years माइनस SI फॉर 3 years। क्यों, जितने ईयर्स का हम अमाउंट लेते हैं उतने ईयर्स की ही SI लेंगे। अमाउंट है 3 years का 4745 और माइनस 3 years का SI 1095, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे 4745। यस या नो, अब आगे क्या करेंगे, आप सबट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब देखो आपके पास प्रिंसिपल भी है, SI भी है और टाइम भी हैगा, वही लिखा हमने यहाँ पर, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल हो गया 3650, SI आपने अभी कैलकुलेट किया था 1095, और टाइम कितने इयर्स की SI लिया आपने, 3 years की, इसलिए टाइम भी क्या हो गया 3 years। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट कर देंगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया आपने, वैल्यू पुट अप करी और फाइंड द वैल्यू 10% पर एनम। ओके, आपकी ये क्लास यहीं फिनिश होगी आज, आपकी यूनिट फिनिश होती है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सभी सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लेता हूँ तो पहले इस चैप्टर के प्रॉब्लम डिस्कस होंगी, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। ओके,